नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप 600 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट यानी कि सीमेंट बालू गिट्टी और सरिया कितना लग जाएगा और कितने रुपए का लग जाएगा और पूरे स्लैब की ढलाई का लेबर रेट कितना होगा। एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं कि 600 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 600 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है, 20 फीट बाई 30 फीट। इसी के आधार पे हमने कैलकुलेशन किया हुआ है कि यदि आप 600 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आपका लेबर मटेरियल सहित टोटल कितना खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम सीमेंट की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 58 बैग यानी कि 58 बैग सीमेंट लग गया। और आप देख सकते हैं कि स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से स्लैब बीम होती है, तो पूरे स्लैब बीम की ढलाई में 10 बैग एक्स्ट्रा लगा। तो स्लैब और स्लैब बीम का मिलाकर टोटल 68 बैग सीमेंट लग गया यानी कि 68 बैग सीमेंट लग गया। और यदि हम अपने एरिए में एक बैग सीमेंट के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिए में 410 रुपए का एक बैग सीमेंट मिल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल सीमेंट कितने रुपए का लग गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 68 बैग का टोटल 27,880 रुपए हो गया। तो 27,880 रुपए का हमारा सीमेंट हो गया। सीमेंट के बाद यदि हम सैंड की बात करें यानी कि रेत की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 142 यानी कि 142 क्यूबिक फीट सैंड लगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, स्लैब बीम की ढलाई में 24 यानी कि 24 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत एक्स्ट्रा लगा। तो दोनों को मिलाकर 166 यानी कि 166 क्यूबिक फीट सैंड लग गया। और यदि हम अपने एरिए में 1 क्यूबिक फीट सैंड के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिए में 72 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से सैंड मिल रही है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल 166 यानी कि 166 क्यूबिक फीट सैंड का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 166 क्यूबिक फीट सैंड का टोटल 11,992 रुपए हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 11,992 रुपए का हमारा रेत यानी कि सैंड हो गया। सैंड के बाद यदि हम एग्रीगेट यानी कि गिट्टी की बात करें तो पूरे स्लैब की ढलाई में 212 क्यूबिक फीट एग्रीगेट लग गई। और स्लैब के नीचे कुछ इस तरीके से जो स्लैब बीम होती है, इसकी ढलाई में 36 क्यूबिक फीट एग्रीगेट एक्स्ट्रा लगी। तो दोनों को ऐड करने के बाद टोटल आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब बीम की ढलाई में, स्लैब और स्लैब बीम की ढलाई में टोटल मिलाकर 248 यानी कि 248 क्यूबिक फीट एग्रीगेट यानी कि गिट्टी लग गई। और यदि हम अपने एरिए में 1 क्यूबिक फीट गिट्टी के प्राइस की बात करें तो हमारे एरिए में 78 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से एग्रीगेट यानी कि गिट्टी मिल रही है। तो 78 से गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 19,344 यानी कि 19,344 रुपये की हमारी गिट्टी हो गई। एग्रीगेट के बाद यदि हम स्टील की बात करें यानी कि सरिये की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब के ऊपर कुछ इस तरीके से स्लैब जाल बनाया जाता है। तो पूरे स्लैब का जाल बनाने में 509 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई जो कि 10 mm की थी। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से स्लैब बीम में भी सरिया लगाई जाती है जो कि 12 mm की होती है, 4 सरिया लगाई जाती है। तो पूरे 600 स्क्वायर फीट के एरिए में जितनी भी स्लैब बीम थी सभी में सरिया लगाने पर टोटल 176 यानी कि 176 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। और आप देख सकते हैं कि स्लैब बीम में कुछ इस तरीके से रिंग लगाई जाती है, तो रिंग को बनाने में 87 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया अलग से लगी जो कि 6 या फिर 8 mm की होती है, यहाँ पर 6 mm वाली है। तो सभी का टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरे स्लैब की ढलाई में स्लैब और स्लैब बीम और स्लैब बीम में जो रिंग लगती है सभी को मिलाकर टोटल 772 किलोग्राम स्टील यानी कि सरिया लग गई। और हमारे एरिए में 1 किलोग्राम स्टील का जो रेट इस समय चल रहा है वो भाई साहब 67 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चल रहा है। तो चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि टोटल स्टील का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 51,724 यानी कि 51,724 रुपए का हमारा स्टील यानी कि सरिया हो गया। स्टील के बाद यदि हम लेबर रेट की बात करें तो पूरे स्लैब ढलाई का ठेका हो गया था। ठेके में भाई उनकी शटरिंग भी थी, उनका लेबर भी था और इसके साथ साथ स्लैब ढलाई के लिए जो मशीन आती है सभी कुछ उनका था, केवल मटेरियल अपना था। ठीक है, तो पूरे स्लैब की ढलाई का जो ठेका हुआ था वो 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ था।
तो यदि हम स्लैब के एरिया की बात करें तो चलिए हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 फीट है और अगल बगल कोई भी स्लैब नहीं निकली थी, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हम 20 फीट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 30 फीट है, बट सामने की तरफ 3 फीट स्लैब को बाहर निकाला गया था, तो ये 30 फीट से बढ़कर 3 फीट जब स्लैब बाहर निकल गई तो 33 फीट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर 33 से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने एरिया में स्लैब पड़ी है। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 660 स्क्वायर फीट के एरिया में स्लैब पड़ी हुई है और 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्लैब ढलाई का लेबर कॉन्ट्रैक्ट का ठेका हुआ था। तो चलिए हम 45 रुपए से गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे स्लैब ढलाई का लेबर रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 29,700 रुपए हमारा लेबर रेट हो गया। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 29,700 रुपए हमारा लेबर रेट हो गया। लेबर रेट निकालने के बाद अब चलिए टोटल करके देख लेते हैं कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, सरिया और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर 600 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि लेबर मटेरियल सहित 600 स्क्वायर फीट स्लैब की ढलाई में 140,600 रुपए का खर्च हो गया। तो यदि आप 600 स्क्वायर फीट स्लैब ढलाई कराने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका लमसम 1.5 लाख रुपए तक का खर्च हो जाएगा लेबर मटेरियल सहित। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा डिटेल समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।